अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानंद नजीब। आप देख रहे हैं फोन टस की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ रेक्समेस की थ्रोन जेन 2 FDE कलर में, ये आप ब्लैक कलर में भी ले सकते हैं। आज इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड पर मुख्तलिफ स्लग के साथ। जी दोस्तों, सबसे पहले इसको चेक करते हैं HNN के स्लग। 21 ग्रेन का ये स्लग है और 218 हेड साइज़ के साथ स्कोप हमने लगाई है जी, वही हमारी फेवरेट डिस्कवरी की HS 4/14/44 साइज चार्ट, कैमरा माउंट और GoPro Hero 7 के साथ रिकॉर्डिंग करेंगे हम। अच्छा जी, हम राइट से शुरू करेंगे, राइट बॉटम से और इस तरफ करते जाएंगे। रिकॉर्डिंग शुरू है जी। ये शॉट है जी, रेगुलेटर कुछ जगाने की। थोड़ा लेफ्ट पे लगाया जी इसको, उधर ले जाते हैं। राइट पे लगा लो, राइट पे। अच्छा, अभी तक तो जी अच्छा रिजल्ट जा रहा है। जी एक चरा हमने इधर लगाया था, 11 चरों का ये ग्रुप बनाया है तो बेहतर है जी, बुरा नहीं है। अच्छा जी, 23 ग्रेन 217 हेड साइज के साथ भी इसको आजमा लेते हैं। ये भी HNN का है, फिर हम दूसरे चरों की तरफ, दूसरे स्लाइस की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इसकी बैरल चोक है तो मुझे लगता है कि 216 हेड साइज या इससे मतलब 17 या 16 के जो स्लग हैं शायद वो बेहतर परफॉर्म करें। स्लग को चाहिए जी वेलोसिटी तकरीबन 900 FPS होने चाहिए, 900 से ऊपर जितने भी ग्रेन का स्लग है या फिर ट्विस्ट रेट बैरल का ज़्यादा हो।
जी, इसका जो ये पत्री है ना, ये प्लास्टिक वाली, तो जब भी मैं इसको करीब करता हूँ तो मुझे मेरी मूछें फंस जाती है इसमें। अगर आपकी मूछें हैं तो अपनी मूछों को संभाल के रखिएगा। हाँ जी, ग्रुप आ गया है, इसको करीब से देखेंगे। आज हमने बहुत ज़्यादा लेड फूंकना है। अच्छा जी, H&N के स्लग हमने आजमा लिए, 23 ग्रेन का भी, FX के हाइब्रिड को भी आजमाते हैं। ये 22 ग्रेन का स्लग है। अच्छा जी, स्लग्स अगर देखने हैं ना तो FX के हाइब्रिड स्लग देखें, क्या क्वालिटी है, क्या फिनिशिंग है इनकी, कमाल। ऐसा लगता है बंदा बस देखता ही रहे। लेकिन अक्सर एयरगनों में एक्यूरेसी नहीं दी मुझे, इसकी क्या वजह है ये मैं नहीं जानता, और महंगे भी बहुत है। FX के हाइब्रिड 22 ग्रेन 22 में 50 यार्ड पर टेस्ट करते हैं। रैक्सिमैक्स थ्रॉन जेन 2 नहीं मालूम जी कहाँ गया है। जी अभी जाहिर हुआ है कि ये नीचे लग रहा है। नीचे ग्रुप बन रहा है जी, वहीं पे जारी रखते हैं। ऊपर परफॉर्मेंस को खास नहीं है इनके, लगता तो ऐसे। अच्छा जी, एंड में देखेंगे। क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी, एक जगह पे बहुत सारे सलाग लगे तो हैं। अब आजमाते हैं
ये जी जेवलन स्लग है 23 ग्रेन का 218 हेड साइज के साथ। जेवलन 23 ग्रेन 218 हेड साइज के साथ। जी अच्छा जी, अब इनको आजमाते हैं NSA के 218 हेड साइज के साथ 23 ग्रेन का, ये भी सलग है, तो देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये जी इस तरह की पैकिंग में आते हैं, ये पैकआउट होता है। स्लग ये भी अच्छे हैं NSA के, फ्लैट बैक के साथ। इनकी जो पीछे बैक है बिल्कुल फ्लैट होती है जी, कोई किसी किस्म का कोई हालो या इस तरह का नहीं है। हेड इनका हालो है, इनकी जो नोज़ है पीछे ये फ्लैट है। अच्छा जी, हवा हमारे पास है नहीं, 160 पे रेगुलेटर सेट है और हवा भी उसी पे आ गई है, तो हम इसको कर लेते हैं फेल। ये अटैच ही कर देते हैं जी 3 लीटर का, ताकि हमें बार बार फेल ना करनी पड़े। अच्छा जी, रेगुलेटर सेट हो जाए। जी NSA शायद बुलदाई लगा है,
जी नॉट बैड। एन एस एग है कि ये 24 ग्रेन का स्लग है और 217 हेड साइज के साथ। इसके साथ भी चेक करते हैं जी इसको, वो कैमरे को देखना, रिकॉर्डिंग करें ना पे। कैमरों को भी देखना पड़ता है जी, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, या हम ऐसे लगे हुए हैं। और एआर को भी, एआर काफ़ी है हमारे पास। अच्छा जी, एनएस है 24.8 ग्रेन 217 हेड साइज के साथ। जी नीचे वाले शीट खराब किए थे, हम तो उठा के ग्रुम बनाते हैं जी। जी यहीं पे ग्रुप बनाते हैं। नॉट बैड। ये 24 ग्रैंड का है तो ड्राप तो होना है जी। गुड। गुड। कमाल का ग्रुप है जी, एक दो ऊपर लगे हैं नीचे, ऊपर नीचे, बाकी का ग्रुप 217 हेड साइज मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चोक्ड बैरल है। 216 हेड साइज अगर होता हमारे पास तो भी उसको भी चेक करते, उससे रिजल्ट बेहतर हो सकता था। जे एस बी नाग आउट 25.39 ग्रेन 22 में और 217 हेड साइज के साथ। देखते हैं ये कितना ड्रॉप होता है जी। थोड़ा ड्रॉप हुआ है लेकिन हम इसको उठा के ही ग्रुप बनाते हैं जीरो पे, तो ये पहली शॉट हम काउंट नहीं करेंगे। बुलदाई
जी आखिर में आजमाते हैं जी, ये हमारे पाकिस्तानी स्लग्स हैं, फाल्कन स्लग 21 ग्रेन का ये स्लग है। हेड साइज का नहीं पता जी, शीट इधर बची हमारे पास आखिर। हाँ जी पीछे गिरा कहाँ गया ये दूसरा, कहाँ जा रहे हैं जी मुझे नहीं मालूम। अब दिखा जी जी दोस्तों ये आ गए हैं जी रिज़ल्ट। सबसे पहले हमने इसको आजमाया है H&N के स्लग HP 21 ग्रेन का स्लग है 218 हेड साइज़ के साथ। तो इसका जो ओवरऑल ग्रुप है जी वो कोई 1 इंच में है, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद जी 23 ग्रेन का हालांकि भाले सरागर है सलाख है लेकिन 217 हेड साइज के साथ। हेड साइज जितना कम होगा उतना ग्रुप हमारे टाइट मिल रहा है क्योंकि ये बहुत ही चौकड बैरल है। लेकिन ये भी परफेक्ट ग्रुप नहीं है, दो इधर लगे हैं, दो इधर और एक इधर लगा है, तो 5 सलाख इधर उधर गए हैं, बाकी का ग्रुप जो है वो टाइट मिला है हमें। तो ये वजह होती है जी जब एक सलाख या एक पैलेट से आप दूसरे पैलेट पे मुंतकिल होते हैं तो बैरल को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हो सकता है कि चलने के साथ इस से ग्रुप टाइट हो जाए। जो ज़्यादा पैलेट्स लगे हैं 12 में से जो 7 पैलेट हैं उनका जो ग्रुप है वो आधे इंच में है। अगर सारे ग्रुप को देखा जाए तो फिर ये भी कोई 1 इंच में बन जाता है जी ग्रुप। NSA का 24.8 ग्रेन का स्लग है, हालांकि भारी स्लग है, पहले ही हमें नीचे लगा था फिर हमने ऊपर उठा के ग्रुप बनाया है। तो उसके साथ जो ग्रुप है ओवरऑल काफ़ी 1 इंच से थोड़ा कम है। इन दो को छोड़ दें, इन दोनों को बाहर वालों को, तो हमें जो ग्रुप मिलता है बाकी वो ये आधे इंच में ग्रुप बन जाता है। और नाकआउट JSB के उनका भी ग्रुप बेहतर है, एक ये नीचे लगा था इसको छोड़ दें क्योंकि फिर हमने ग्रुप बनाया है ऊपर, दो ये वाले हैं, दो इनको छोड़ें, ओवरऑल इनको भी अगर काउंट करें तो ये बेहतर ग्रुप है नाकआउट 217 हेड साइज के साथ। हेड साइज जितना कम होगा उसकी उतनी ही इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद वो फाल्कन स्लग हैं जी पाकिस्तानी, 1, 2, 3, 4 दो किस्म के ग्रुप बने हैं, शायद इनके वेट में थोड़ा फ़र्क है, ये बना ग्रुप और ये वाला ग्रुप बना है। तो ओवरऑल ये भी कोई 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, इनके साथ साथ का ये भी ग्रुप है। ओवरऑल जितना भी बुरा ग्रुप हो 1 इंच के अंदर अंदर ही हमें मिल रहा है जी। दोस्तों ये सलग चला सकती है बिल्कुल, लेकिन हेड साइज़ मैटर करता है और करेगा भी।
क्योंकि ये चोक्ड बैरल है, तो जितना कम हेड साइज़ होगा एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलेगी। 218 हेड साइज़ की नस्बत हमें 217 हेड साइज़ के स्लग्स के साथ एक्यूरेसी अच्छी मिली है। 216 हेड साइज़ के मेरे पास नहीं स्लग थे, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमने टेस्ट किए हैं बैरल्स, उनमें 218 हेड साइज़ ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा था, तो फिर हमने वो 218 वाले ज़्यादा मंगवाए थे। 216 हेड साइज़ वाला जो भी स्लग है हम मंगवा के इंशाल्लाह उसके साथ भी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे कि उसके साथ परफॉर्मेंस बेहतर होती है या यही रहती है। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।